Welcome to the Institute of Science. Students, today we are going to learn number system. What is number system? Number system is the mathematical value which is used to counting the number or the object. Which type of object? Any types of objects is used for counting. Students, we have already learned about many number system like irrational number, integers, natural number. Those are all the conventional number system. Now, also there are various type of number system in which we know about binary system. Second one is decimal system. Third one is the octal system, or you also can say octal number. And fourth one is hexadecimal number. Once again, I am trying to explain the number system. Number system is a system which is used to representing the numbers. Students, you can see here that there are various types of the number system which is used to express the numbers. Aap computer mein binary system, decimal system, octal number system और हेक्साडेसिमल सिस्टम को आप देख सकते हैं कि इसे हम नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. जनरली वी यूज द नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर एज ए 0 and 1 bit. व्हाट इट मींस, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली एनीथिंग इन 0 and 1 फॉर्म. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो 0 और 1 की भाषा समझ सकता है, इसलिए हम सर्वप्रथम बाइनरी सिस्टम को जानेंगे. 0 और 1 के बारे में कि कैसे 0 और 1 बिट का यूज करके कंप्यूटर अपने को उसको अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. स्टूडेंट्स, हम ये भी जानेंगे कि हम बाइनरी सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डेसिमल सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो अगर मैं बात करूं तो ऑक्टल नंबर कंटेन ओनली 2 digit 0 and 1. बाइनरी सिस्टम को मैं अगर डिफाइन करूं तो बाइनरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो केवल 0 और 1 बिट को कंटेन करके रखता है. ओके, तो 0 और 1 को कंटेन करने के कारण इसका जो बेस होता है वो केवल 2 होता है. ओके, मतलब कहने का है कि 0 और 1 बिट रखने के कारण बाइनरी सिस्टम केवल 2 बेस कंटेन करके रखता है. ओके, तो हम यहाँ पे इसके बगल में बेस 2 लिख देते हैं. ठीक है, मतलब बाइनरी सिस्टम को आइडेंटिफाई उसका बेस 2 से करते हैं. डेसिमल सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे डिजिट डेसिमल सिस्टम के अंदर रहता है, इसलिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 कंटेन करके रखता है. यानी मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम विच रिप्रेजेंट 0 to 9 नंबर. मतलब ये 0 से लेके 9 नंबर कंटेन करके रखता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम विच कंटेन 8 नंबर. मतलब स्टूडेंट्स कि ये 0 से लेके यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पे बेस इसका 10 होगा और ये स्टूडेंट ऑक्टल नंबर टोटल 8 डिजिट कंटेन करके रखता है, इसलिए इसका बेस 8 है. और हेक्साडेसिमल नंबर
टोटल 16 डिजिट कंटेन करके रखता है, इसलिए इसका बेस 16 है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस नंबर सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, वो इस तरीका से आप इसको देख सकते हो। तो बाइनरी सिस्टम बेस 2 है, डेसिमल सिस्टम बेस 8 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8 है और हेक्साडेसिमल नंबर बेस 16 है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों को आप इसको लिख लो, बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को आपका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है उसको लिख लो। अब मैं आपको बताऊंगा बाइनरी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन कर सकते हो और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इट मीन्स हाउ टू यू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, खासकर 9-8, इनमें नंबर सिस्टम कंप्यूटर में एक चैप्टर है जिसमें आपको कन्वर्जन करने के लिए आता है। स्टूडेंट्स जो भी क्लास 10 के अभी जो बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी कन्वर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसका कन्वर्जन जरूर सीख लें। तो आज हम बाइनरी और डेसिमल का डिस्कशन करेंगे, कैसे बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, आप उसको देख सकते हो कि उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देखो, ये 225 है, ओके 25 है और बेस 10 यानी 25 बेस 10। अगर आपको मैं ये पूछूं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है तो आप इसको बोलोगे कि सर ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है क्योंकि इसका बेस जो है वो 10 है। अगर बेस 10 है तो आपको इसको बोला जाएगा कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म, ठीक है, कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म। अगर इट मीन्स क्वेश्चन में आपको अगर बेस 10 दिया हुआ है तो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो है बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है, आपको इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हो। तो हाउ विल कन्वर्ट इनटू द बाइनरी सिस्टम, तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट। 25 को आप ऐसे ले सकते हो और 25 को फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैं जानता हूँ कि बाइनरी सिस्टम जो होता है वो 2 बिट कंटेन करता है, तो केवल आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करना है एकदम एलसीएम जैसा ही चलता है, बस हल्के आपको ध्यान देना। तो 2 का टेबल में ये 12 होगा और यहाँ पे रिमाइंडर को इस जगह लिख देना पड़ता है, तो वो 12 से 24 और रिमाइंडर कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर 2 से लोगे तो 2 6 12, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 2 3 6, तो यहाँ पे लोगों की रिमाइंडर 0 है तो यहाँ 0 लिख देते हैं। और 2 1 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो गया। तो ये जो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे करके नीचे से ऊपर क्यों ले जाओगे, तो ये 1 1 0 0 1, ये जो होगा ये इस डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है बाइनरी नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स इस डेसिमल नंबर सिस्टम को आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो ये प्रोसेस के साथ हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब आप चेक करके पता करेंगे कि क्या ये मेरा जो आंसर है वो सही है, तो फिर से इस बाइनरी नंबर को हम इस कन्वर्ट करेंगे इस डेसिमल नंबर सिस्टम को। देखो स्टूडेंट ये बाइनरी नंबर का आइडेंटिफिकेशन ये है, इसके पास 1001 नंबर है और इस डेसिमल के पास 0 से 9 का नंबर है। अब मैं इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो कैसे कन्वर्ट होगा वो चीज को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको राइट डाउन कर लो। अब फिर मैं इसको दिखाता हूँ, देखो ये जो नंबर है इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए क्या है कंसेप्ट वो चीज अभी देखो आप, तो कैसे मैं इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसके लिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आप 1 इंटू 2
टू का पावर आप एक काउंट करोगे डिजिट 1, 2, 3, 4 तो 1 × 2 का पावर 4 1 × 1, 2, 3 तो 2 का पावर 3 लिख दो 0 × 2 का पावर 2 प्लस 0 × 2 का पावर 1 प्लस 1 × 2 का पावर 0। देखो स्टूडेंट ये 1 मैंने यहाँ लिखा और इसके बाद काउंट करो कितना डिजिट है 1, 2, 3, 4 तो 2 का पावर 4 मैंने लिखा। फिर इस 1 को यहाँ लिखा 1 × 2 का पावर इसके बाद कितना डिजिट है 3 है तो यहाँ पे 2 का पावर 3 लिख दो। फिर ये 0 मैंने यहाँ लिखा इसके बाद कितने डिजिट है तो 2 का पावर 2 ये डिजिट 0 फिर से यहाँ लिखा इसके बाद कितना डिजिट है 2 का पावर 1 ये 1 है तो 1 × 2 इसके बाद कोई भी नंबर नहीं इसके 2 का पावर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 1 = 2 4 times मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है तो 2 × 2 = 8 × 2 = 16 ये 16 हो गया ये 8 हो गया और ये 0 ये 0 और ये 1 × 2 का पावर 0 हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये देखो स्टूडेंट ये 1 मैंने लिख दिया तो 16 और 8 = 24 और 1 = 25 तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम को मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देख लिया। तो स्टूडेंट्स आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आता है स्टूडेंट्स इसे आप अच्छी तरह सीख लो 2-4 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे आप प्रैक्टिस करो क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। हाँ तो एक स्टूडेंट्स ने पूछा मुझे कि सर ये 2 का पावर 0 = 1 कैसे हो गया उसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ स्टूडेंट ये एक्चुअली मैथमेटिकली प्रूफ किया हुआ है इसको मैं 2 वे से प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो अगर 2 का पावर 0 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 का पावर 1 - 1 2 का पावर 0 को मतलब होता है 1 - 1 आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 का पावर 1 × 2 का पावर 1 इसको अलग फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो इसको ये इन्वर्स इधर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2/2 यानी 1 तो देखो ये 2 का पावर 0 = 1 हो गया है। इसको आप दूसरे वे से अगर प्रूफ करोगे तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग दोनों तरफ लेकिन टेकिंग लॉ बोथ साइड रखोगे तो कैसे होगा टेकिंग लॉ बोथ साइड अगर दोनों तरफ ये फर्स्ट मेथड हुआ ये सेकंड मेथड है तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ तो लॉग लेने से क्या होता है स्टूडेंट log 2 का पावर 0 = log 1 तो देखो ये इधर आ जाएगा तो 0 × log 2 = log 1 तो यानी क्या होगा 0 × 2 = 0 = log 1 तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि 0 × log 2 यानी 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है ठीक है और log 1 का वैल्यू 0 होता है तो 0 = 0। आप बोलोगे कि सर ये log का कंसेप्ट तो जो स्टूडेंट्स ICSE बोर्ड वाले लोग हैं उन लोग को log पढ़ाया गया हालांकि log जो है जैक बोर्ड में नहीं है ये आप प्रिंटर में देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि log x का पावर m हो तो इसको हम लोग m log x लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो 0 = 0 यानी हम बोल सकते हैं LHS = RHS किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 ही देता है किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो हमेशा 1 देता है चाहे कोई भी नंबर हो चाहे 1000 दे अधिकतर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं तो याद रखना है स्टूडेंट्स कि किसी भी नंबर के पावर में डिग्री अगर 0 हो तो हमेशा 1 होता है लेकिन अगर यहाँ पे अगर 1000 के पावर में केवल 1 होता तो ये केवल 1000 होता है। स्टूडेंट्स ऑल्सो हम ये जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 कंटेन करते जानते हो स्टूडेंट 0 और 1 का थ्योरी हम आसपास अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं हम लोग पर डे स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं ऑन और ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम ऑन करते हैं यानी वो 1 को कन्वर्ट करता है और 0 उसको ऑफ में कन्वर्ट करता है यानी एक तरीका से ये एक लॉजिकल टेबल क्रिएट करता है जिसे हम आगे चल के लॉजिक गेट के नाम से जानेंगे और उसको पढ़ेंगे ठीक है तो कल हम लोग केवल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमने अभी ऑक्टल नंबर सिस्टम को पढ़ा
तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को जैसा कि मैं बताया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम टोटल 8 होता है और वो कैसे 8 नंबर कंटेन करता है वो स्टूडेंट अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसको अभी आप इसको बढ़िया से समझ लो, ये आपके बहुत काम में आने वाला है। देखो स्टूडेंट, चूंकि ऑक्टल नंबर को मैंने अभी बताया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8 कंटेन करता है और ये 3 डिजिट कंटेन करता है। देखो इसका कैसे चलता है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 11। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर 7 तक काउंट करोगे ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 है। तो ये ऑक्टल नंबर द्वारा कंटेन किया जाता है। आप 0 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो ऑक्टल नंबर पे, 1 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, 2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। देखो टोटल नंबर पे टोटल ऑक्टल नंबर 7 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑक्टल नंबर कंटेन 7 डिजिट, वो इस तरीके से ग्रुप में वो नंबर को कन्वर्ट करता है। ठीक है, इससे पहले कि हम ये समझे कि इस डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल को डेसिमल में कैसे, उसके पहले हम लोग हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम को भी समझने का कोशिश करेंगे। इसमें तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे होता है, हम अभी बताएं कि हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जो 0 से 16 कंटेन, मतलब टोटल नंबर ऑफ 16 डिजिट कंटेन करके रखता है, इसलिए इसका बेस जो होता है वो 16 देखा जाता है। स्टूडेंट कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जब वो 0 0 0 0 0 0 1, स्टूडेंट हम ये डिजिट कैसे लर्न कर सकते हैं उसका मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ। एक्चुअली कंप्यूटर में 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, ठीक है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 जो होता है वो 1 0 होता है, और 1 अभी आप ये इसको कभी भी गलती से इसमें कंप्यूटर में 1 0 मत पढ़ना, क्योंकि ये 1 0 1 प्लस 1 जो है इसके लिए कंप्यूटर भाषा में इसे 2 पढ़ा जाता है, और अगर मैं 10 में 1 जोड़ दूं तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 कंटेन करता है, मतलब ये 3 डिजिट को दर्शाता है। एक्चुअली स्टूडेंट हम लोग बाइनरी एडिशन बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को का बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो तत्काल हम ये डिजिट को देखते हैं तो 0 0 1 1, फिर यहाँ पे 10, फिर 11, जब केवल 1 बिट को ही पढ़ाते जाओ, 11 के बाद सीधे क्या होता है 100, इसके बाद 101, इसके बाद 110, इसके बाद 111, फिर सीधे क्या होगा 1000 1001 1010 1011, फिर 1100, फिर 1101, फिर 1110, फिर चारों डिजिट 1 1 हो जाएगा। तो आप इसको देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद जो भी नंबर है स्टूडेंट उसको हम अल्फा बेट्स में लिखते हैं, यानी 1010 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से, इसको सी से, इसको डी से, इसको ई से, और इसको एफ से। तो आप इसको राइट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के लिए इतना।